Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. Today we are going to start our remaining part of practice set 4.1. In earlier part, we learned what is altitude, what is median, and how we will draw the altitude and the median of the given triangle. Okay, and already we have completed our question number 1, 2, and 3. Okay, so today we are going to do our remaining questions. Okay, so let us move on exercise. So, as you can see, question number 1, 2 and 3 we have already done in the previous part. Now, question number 4, and what is question number 4? Draw an obtuse angle triangle LMN and draw its altitude and denote the ortho center by O. मतलब आपको एक obtuse angle triangle बनाना है LMN और आपको इसके altitude भी draw करना है. और जहां पर ये सारे एल्टीट्यूड एक दूसरे को मतलब मीट कर रहे हैं उस पॉइंट अर्थात ऑर्थो सेंटर को आपको क्या नाम देना है, ओ नाम देना है. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग डियर स्टूडेंट बनाते हैं एक ऑब्ट्यूट एंगल ट्रायंगल. जैसे आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले यहां पे बेस ड्रॉ कर लिया और विथ द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. आप जानते हो कि ऑब्ट्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एन एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूट एंगल. तो चलो मैं वहां पे 100 डिग्री का एक एंगल बना देता हूं और मैं इससे ज्वाइन करके कंप्लीट कर लेता हूं ट्राइंगल. ओके, तो जैसे आप देख सकते हो मैंने एक ऑब्ट्यूट एंगल यहां पर ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया. अब मुझे इसके क्या ड्रॉ करने हैं, मुझे इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. सो सबसे पहले इस ट्राइंगल का नाम क्या दिया गया अपने को क्वेश्चन में, एल एम और एन दिया गया. तो डियर स्टूडेंट हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्योंकि हम लोग जानते हैं ये क्या है ऑब्ट्यूट एंगल है, तो हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते ठीक है. और सिमिलरली ये जो सेगमेंट है मतलब ये जो वर्टेक्स है इसको भी हम थोड़ा बढ़ा देते हैं ठीक है. अभी आप देख सकते हो कि मुझे क्या करना है, इसके एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. एल्टीट्यूड मैंने आपको लास्ट पार्ट में ही सिखाया था एल्टीट्यूड क्या होता है. एल्टीट्यूड मतलब जो इसके वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड्स पे हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. तो मैंने उसको आपको दो तरीके से बताया था, प्रोटेक्टर से भी और मैंने इसके क्या बोलते डी से भी मैंने आपको बताया था, प्रोटेक्टर के साथ और कंपास के साथ. तो चलो हम लोग इसके सॉरी प्रोटेक्टर के साथ साथ मैंने आपको इससे बताया था सेट ऑफ स्क्वायर से. तो आप सेट ऑफ स्क्वायर से कैसे कर सकते हो, जैसे आप यहां देख सकते हो ठीक है, ये लाइन मैंने आपको बताया था बिल्कुल आपको इस पर लेके आना है सीधे और इसके वर्टेक्स से आपको ज्वाइन करते हुए क्या बनाना है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. जैसे आप देख सकते हो मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. अब आप इस लाइन को और एक्सटेंड कर सकते हो ठीक है. तो देखिए हमने इस पहले जो वर्टेक्स है एल इससे हमने इसके अपोजिट साइड एम एन पे क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर. सिमिलरली आप इस पॉइंट एम से भी क्या ड्रॉ कर सकते हो इसके ऊपर, आप इसमें ये देखिए या आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे ले लीजिए. देखिए बराबर इसी वर्टेक्स पे आया है और ये लाइन बिल्कुल यहां पे सीधी होनी चाहिए, ये रहा ओके. तो देखो हम लोग यहां से भी क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको हम क्या करते हैं इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं ठीक है. तो यहां पे भी हमने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर. तो देखो एल वर्टेक्स से हो गया, एन वर्टेक्स से हो गया, अब कौन सा वर्टेक्स बचा, एम. तो एम से भी हम इजीली बना सकते हैं स्टूडेंट. आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां पे एम पे यहां पे आप देख सकते हो वर्टेक्स आपको लेना है, ये रहा देखिए आपने देखा यहां पे बिल्कुल ये लाइन सीधी हो गई और देखिए ये वर्टेक्स से होते हुए जाना चाहिए. तो चलिए मैं यहां से सीधे यहां तक ड्रॉ कर रहा हूं और देखिए तो आप देखोगे कि ये तीनों के तीनों वर्टेक्स बिल्कुल मतलब ये तीनों के जो
ऑर्थो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे आकर के मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो आप इसे अलग नाम कोई भी दे सकते हैं, चलिए इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया। और आपको टेक्स्ट बुक में बोल के रखा है कि जहां पे भी ये सारे एल्टीट्यूड एक दूसरे को मीट करते हैं आपको किस पॉइंट से इसको डिनोट करना है। ओ तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसको कर सकते हो। ओके, आपसे ये चीज को क्वेश्चन को आप प्रोटेक्टर के हेल्प से भी कर सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में देखा है। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी मूव टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय जी। इसमें आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और उसके तीनों मीडियन आपको ड्रॉ करना है, और मीडियन ड्रॉ करने के बाद उस तीनों मीडियन का जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसको आपको किस पॉइंट से डिनोट करना है, जी से। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट मैं इसका बेस ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए ये बेस है इसका, समझ जाइए कि बेस कितना है, 6 सेंटीमीटर का। ओके, मैं यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बना देता हूं। ठीक है, ये देखिए मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, और बनाने के बाद से मैं इसे ज्वाइंट कर देता हूं। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग जरा इसको मेजर करके देख लेते हैं, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसको अगर आप मिला के देख लो तो ये आपका पड़ रहा है अप्रोक्सीमेटली 7.8 तक आपका पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 7.8 का अगर हाफ कर दो आप तो 2 3 6, 2 9 18। ओके, मतलब ये आपका हाफ आएगा 3.9 के अप्रोक्स में। तो आपका 3.9 अर्थात यहां पे आएगा, आप यहां पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दो, और पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आप इसके इससे वर्टेक्स को मिला दो। सबसे पहले हम लोग इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में देखे रखा है, एक्स वाई जेड, और इससे मैं मीडियन दे देता हूं, ये मीडियन का नाम ए, तो ये आपका मीडियन हो गया वाई ए। ठीक उसी तरह से अगर आप देख लो यहां पर, तो ये कितने सेंटीमीटर था 6, तो आप यहां पे पॉइंट ले सकते हो 3 पे, क्योंकि 6 का हाफ कितना होता है 3, और आपको मालूम है मीडियन क्या करता है, उस ट्रायंगल के साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे इस वर्टेक्स से हम लोग इसके अपोजिट साइड पे जो मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो 6 का हाफ कितना होगा 3। तो आप इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसे आप चाहिए तो नाम दे सकते हो बी। ये देखो यहां पे दो इक्वल पार्ट्स हुए। वैसे ही अगर आप यहां पे देख लो तो ये कितना सेंटीमीटर है, ये स्टूडेंट 5 का हाफ कितना होता है 2.5, ये रहा 2.5। अब ये 2.5 को आप इसके वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हुए एक मीडियन ड्रॉ कर दीजिए। तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, तीनों मीडियन यहां पे एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। ओके, तो आपको इसके कॉन्करेंस को किस पॉइंट से दिखाने के लिए बोला है, जी, और इसे आप नाम दे दीजिए सी। तो डियर स्टूडेंट, ये भी बहुत ईजी है, आप इसको भी चाहिए तो कंपास के हेल्प से कर सकते हो आप। ओके, तो मैंने तो यहां पे मेजर करके लिया, अगर आप सपोज मेजर करके नहीं ले रहे हो तो आप इसको राउंडर के हेल्प से, जैसे हम लोगों ने लास्ट पार्ट में ऐसे बनाया था, मैं आपको एक बार रफली बता देता हूं। आप क्या करोगे, जैसे आपने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद से आप मोर देन यहां से हाफ लेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ठीक है, जैसे समझ जाइए कि ये दोनों आर्क यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप इसे मिलाएंगे, मिलाने के बाद से यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे तो आप इसके वर्टेक्स से मिलाएंगे, तो ये आपका फर्स्ट मीडियन हो जाएगा। वैसे ही आप तीनों साइड का निकाल करके भी बनाएंगे तो भी बनेगा। तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से कीजिए, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में हमको मेजरमेंट नहीं बोला है, इसके लिए मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मेजरमेंट लिया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसे देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल के रखा है, ड्रॉ एन आइसोलेटेड ट्राइंगल एंड ड्रॉ ऑल इट्स मीडियन एंड एल्टीट्यूड। आपको इसमें मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों साथ में बनाना है,
एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस, मतलब मीडियन का जो कॉन्करेंस पॉइंट है और एल्टीट्यूड का जो कॉन्करेंस पॉइंट है, ठीक है, वो कहां पे मिल रहे हैं, इसके रिलेटेड आपको आपका ऑब्जर्वेशन बताना है। तो चलो हम चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला है आइसोलेटेड ट्राइंगल बनाने के लिए और नाम नहीं बोला है। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड ट्राइंगल? अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्गुएंट इज नोन एज आइसोलेटेड ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें ओनली टू साइड्स कॉन्गुएंट होते। तो चलो मैं उसके लिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट एक 6 सेंटीमीटर का मैं बेस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और नाम तो कुछ नहीं बोला है तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ बी और सी, और ये 6 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो आइसोलेटेड ट्राइंगल है तो मैंने जस्ट नाउ आपको बोला कि इसके दो साइड्स इक्वल होते, तो मैं 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेता हूँ। 8 सेंटीमीटर आप देख सकते हो मैंने मेजरमेंट में यहाँ पे लिया है 8 सेंटीमीटर, ओके। तो उस 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेने के बाद से मैं यहाँ पे रख करके एक आर्क यहाँ पे ऐसे मार देता हूँ, दूसरा आर्क मैं यहां से ऐसे मार देता हूं, और आर्क मारने के बाद से मैं इसे ज्वाइन करके पूरा ट्राइंगल कंप्लीट कर लेता हूं। देख सकते हो आप यहां पे हमारा ट्राइंगल एबीसी रेडी हो गया। अब सबसे पहले हम लोग मीडियन बनाते हैं। आपको अभी भी मैंने बताया कितने सेंटीमीटर का मैंने लिया, 8, और मीडियन क्या करता है, उस साइड को जिसपे वो पप मतलब जिसपे वो ज्वाइंट होता है इसके वॉर्टेक्स से जाके मिलता है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो समझिए सी से अगर हम मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये ए बी को बराबर इस पॉइंट पे आके क्या करेगा, हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। 8 का हाफ कितना होता है, 4, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको मिला देते हैं, ये मीडियन हमारा कंप्लीट हो जाए वॉर्टेक्स सी से। अगर वॉर्टेक्स बी से हम ड्रॉ करेंगे तो ये जाकर के साइड ए सी को, क्योंकि ये भी 8 सेंटीमीटर है और आइसोलेटेड ट्राइंगल है, एग्जैक्टली 4 पे मतलब मीट करेगा। तो चलो हम इसको भी मिला देते हैं, ये हो गया हमारा सेकेंड मीडियन वर्टेक्स बी से। और आप जानते हो यहां पे मैंने बीसी कितना लिया था, 6, 6 का हाफ कितना होता है, 3, ठीक है। तो ये वर्टेक्स ए से भी हम मिला देते हैं, आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों जो मीडियन है बराबर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। चलो हम इसको क्या नाम देते हैं, जी, और ये हो गया आपका मीडियन ए, सॉरी ये मैंने ले लेता हूँ पी, इसको ले लेता हूँ क्यू, इसको ले लेता हूँ आर। ये आपका कितना था, 8 सेंटीमीटर, और ये भी आपका कितना था, 8 सेंटीमीटर। हमने मीडियन ड्रॉ कर लिया डियर स्टूडेंट्स, अब हमको क्या ड्रॉ करना है, इसका एल्टीट्यूड भी बोला है। तो एल्टीट्यूड के लिए बहुत ईजी है, आप देख सकते हो यहां से रख करके हम एल्टीट्यूड अगर ड्रॉ करें, ठीक है, देखिए ये लाइन सीधी होनी चाहिए इस पे, और ये देख सकते हो आपकी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये बिल्कुल वही आएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां से ले लेते हैं, कहां से ले लेते हैं हम लोग, ए पॉइंट से, समझ जाइए ये रहा आपका, ये देखिए ये वर्टेक्स पे लेके आएंगे हम, और ये लाइन कैसी होनी चाहिए, हमारी लाइन सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो बी से साइड एसी पे वर्ड मतलब एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। सिमिलरली अब हमारा क्या बच गया, ये साइड, तो हम लोग ये साइड से भी ले लेते हैं सी से, इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हम लोग। देख सकते हो, ठीक है, ये आपका यहां रहा, मैं इसे मिला देता हूं, ठीक है। तो आप देखोगे ये तीनों के तीनों जो सेंट्रॉइड है, जैसे इसका नाम मैंने क्या दिया है, क्यू, ये दोनों का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एस और टी मैंने नाम दे दिया। तो आपने क्या पाया कि जो ये सेंट मतलब इस मीडियन का जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, और जो इसका एल्टीट्यूड का जो भी आप बोल सकते हो तो ऑर्थो सेंटर है, ये दोनों के दोनों बिल्कुल इस जो साइड बीसी का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, ए बी, इसके सेंट्रॉइड पे मिल रहे हैं लोग। तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट द सेंट्रॉइड जी एंड ऑर्थो सेंटर ओ
lie on perpendicular, perpendicular bisector of, bisector of side BC. आप देख सकते हो BC का perpendicular bisector क्या बन रहा है, ये point. ठीक है, ये देखिए BC, ये रहा पूरा आपका एंगल BAC और ये उसका bisector है. कौन सा bisector है इसका, AC. तो देखिए आप दोनों AC पे ही आ रहे, जो किसका bisector है, साइड BC का. तो देखिए पॉइंट G और पॉइंट O भी बिल्कुल इस एंगल, जो साइड BC का जो bisector है ये इसी पॉइंट पे आ रहा है. ठीक है, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा. तो वन मोर क्वेश्चन रिमेनिंग फॉर दिस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर ब्लैक बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ओके, अब पॉइंट जी जो है वो ट्राइंगल ए बी सी का क्या है, सेंट्रोइड है. वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड दैट इट डिवाइड द मीडियन ऑफ ट्राइंगल इन द रेशियो ऑफ 2:1. मीन्स ईच मीडियम इज डिवाइडेड बाय सेंट्रोइड इन द रेशियो ऑफ 2:1. नाउ हाउ यू हैव टू टेक 2:1, जैसे आप देख सकते हो ए बी सी ये तीन मीडियम है, ए बी, आर सी और बी क्यू. तो आपको जो वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे ये वर्टेक्स से स्टार्ट होकर ए सी जा रहा है और जी से पी जा रहा है, तो ये आपका 2 होगा और ये आपका रेशियो कितना होगा, 1. सिमिलरली देखिए बी क्यू वर्टेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी सी, तो ये आपका 2 रेशियो होगा, ये इसका रेशियो कितना होगा, 1. सिमिलरली देख सकते हो आप सी आर वर्टेक्स से आपको हमेशा लेना है, इसका कितना होगा, 2:1. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको इसको क्या करना है, फिलअप करना है. तो देखो पहले आपको क्या है इसमें, आर जी ये आपको दिया गया, आर जी कितना है, 2.5. तो आपका सी जी कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, हमने अभी पढ़ा कि सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन, ईच मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो आप लिखोगे यहाँ पे लेंथ जी सी अपॉन लेंथ जी सी, या तो आप हाँ जी सी अपॉन लेंथ आर सी लिख देते. चलो इसका रेशियो कितना होगा, 2:1. जी सी वी डोंट नो एक्चुअली, वी हैव टू फाइंड आउट हियर, सो राइट एज इट इज जी सी, बट आर सी इज गिवन इन क्वेश्चन, इट इज 2.5, तो राइट डाउन हियर 2.5 इज इक्वल टू 2:1. नाउ क्रॉस वर्ड मल्टीप्लाई करो, जी सी का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो इट विल कम एज इट इज. Now 2 × 2.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, सो लेंथ जी सी इज इक्वल टू 5, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन और देन राइट हियर यूनिट्स. आपका ये जी सी कितना आएगा, 5 यूनिट्स. और एक और बात आप ध्यान में रख दो, ये 1 इसका हिस्सा कितना है, 1, इसका रेशियो कितना है, 2. एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ, इस पार्ट, इस पोर्शन का ये पोर्शन डबल होगा, ये 2.5 होते कितना होगा, 5. अगर ये 5 दिया होता, ये फाइंड आउट करना होता, तो 2 का ये 1/2 है, तो हम 5 का हाफ कर देते तो वो आ जाता. नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, इफ VG इज 6, VG कितना दिया गया है, 6, तो आपको बताना है BQ कितना होगा. ठीक है, तो एक बात बताइए BC, हम लोग एक काम करते हैं फिर से, 1 second, वर्टेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, BG से, तो हम लोग लेंगे कैसे इसको, लेंथ BC अपॉन लेंथ BC अपॉन लेंथ GQ, क्या रेशियो बनेगा इसका, 2:1, क्योंकि 2:1 होता है, हमको हमेशा वर्टेक्स से लेना है. BC इज गिवन इन क्वेश्चन 6, ओके, लेंथ GQ वी डोंट नो राइट एज इट इज इक्वल टू 2:1. अभी एक बात बताइए, ये इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 1. ठीक है, और यहां पे 2 × लेंथ जी क्यू. अभी देखिए तो 6 × 1 = 6 हुआ, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, इधर आप लाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू लेंथ जी क्यू, 2 × 3 = 6. सो देयर फॉर लेंथ जी क्यू इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. बट हमको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, हमने तो ये निकाल दिया कि जी क्यू 3 है, लेकिन हमको पूरा BQ निकालना है. तो BQ कैसे मिलेगा, अगर हम लोग BG को और GQ को दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा लेंथ BQ बन जाएगा. सो देयर फॉर लेंथ BQ इज इक्वल टू लेंथ BG
प्लस लेंथ जी क्यू। बी जी ऑलरेडी क्वेश्चन में अपने को देख ही रखा है, ये कितना है 6 और ये हमने जस्ट नाउ फाइंड आउट किया कितना है 3। सो देयरफॉर लेंथ बी क्यू इज इक्वल टू 6 + 3 = 9। ठीक है, तो हमने यहां पे अपना बी क्यू भी फाइंड आउट कर लिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज गिवन, अगर पूरा एपी 6 है तो आपको बताना एजी कितना होगा और जीपी कितना होगा। एक बात बताओ, यहां से यहां तक का मैंने आपको बताया कि जो वर्टेक्स से स्टार्ट होता है उसका रेशियो कितना होता है 2 और इसका कितना होता है 1 तो टोटल रेशियो कितना हो गया 3। तो 3 में से इसका रेशियो कितना है 2 तो 2/3, इसका रेशियो कितना होगा 1/3। सिंपल, तो लिखेंगे क्या हम लोग आंसर में, ठीक है, लेंथ ए पी इज इक्वल टू 6 दिया है तो देयरफॉर लेंथ ए जी ये क्या होगा 2/3 इंटू लेंथ ए पी। इस पूरे ए पी का ये 2/3 होता है और ये नीचे वाला पोर्शन कितना होता है 1/3। तो बताओ 2/3 इंटू लेंथ ए पी क्वेश्चन में कितना दिया है 6, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, तो ये आपको आएगा 4 यूनिट्स। और एक लास्ट दिया है आपको लेंथ ए जी, लेंथ ए जी कितना होगा 1/3, ये 1/3 होगा किसका, पूरे लेंथ ए पी का 1/3 इंटू ए पी, ए पी 6, अरे सॉरी यहाँ पे मैंने ए जी लिख दिया स्टूडेंट, ये आपका रहेगा जी पी, ओके, क्योंकि यहाँ पे जी पी है, जी पी, माई मिस्टेक। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है, तो ये कितना आएगा 2 × 1 = 2, तो ये आएगा आपका 2 यूनिट्स। तो बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। So, dear student, here we have completed our practice set 4.1 and we will meet in the next video with a new lesson. But before that, I have framed some question for you, which you can do at home. Okay, see your homework section. Draw an acute angle, triangle ABC and draw all its altitude and also show its points of confluence. ये बहुत ही easy है, मैंने इसे करवाया, only name change हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली देखिए, आज ही मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ इट्स ऑल मीडियन एंड सो देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस बाय सी। आप इसे दोनों तरीके से करोगे, ठीक है, आप इसे दोनों, आप कंपास की हेल्प से भी इसे करोगे, ठीक है, एंड जैसा मैंने आपको आज वीडियो में बताया वैसे भी आप हाफ हाफ भी लेके कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से ड्रॉ एन ऑब्स्टिट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ड्रॉ इट्स ऑल एल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय ओ। आप इसे कंपास से भी करोगे, ठीक है, कंपास से भी करने के साथ साथ आप इसमें क्या यूज करोगे एंड सेट ऑफ स्क्वायर। अब दोनों तरीके से करके इसे आप क्या करोगे, आप ग्रुप में भेजोगे। हमें आगे बोलो, तो आज की वीडियो में इतना ही, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। So for today, that much enough. Thank you very much. Bye.